जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। मेरा नाम जयानंद महाराज है, मैं कथाकार हूँ, देवी भागवत शिव कथा करता हूँ मैं। और मैं बापूजी के लिए दो शब्द बोलना चाहता हूँ। बापूजी हमारे धर्म का एक धरोहर है, एक मूल केंद्र जिसको बोला जाता है। और बापूजी समग्र भारत देश नहीं पूरा विश्व में उन्होंने अपने परचम लहराया है, अपने वाणी से, अपने सत्संग से और अपने कृपा दृष्टि से। बापू ने सबको एक सामान्य जीवन जीने के लिए एक प्रेरणा दिया है। बापू ने आत्म तत्व से लेके ब्रह्म तत्व का दर्शन कराने वाले एक सद्गुरुदेव कौन है? आसाराम बापू है। कि मेरे समग्र हिंदू भाइयों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज नहीं जागोगे तो कल आपको दबा दिया जाएगा। अगर दबा जाए अगर दाब देगा हमको तो हम उठने का कितना टाइम लग जाएगा। अगर अभी नहीं संभलोगे तो फिर ये संसार में आपको जीने का, अगर हिंदू है हम तो हिंदू बन के दिखाओ, आप बाहर निकलो। धर्म के लिए ही मर जाना सबसे बड़ी बात है। जो धर्म के लिए कार्य नहीं करता है, जो हमारे संस्कृति के लिए कार्य नहीं करते हैं, वो अब फिर जीने का क्या मरता है? फिर जीरो मात्र है। फिर आसाराम जी बापू की बात की जाए तो उन्होंने हिंदू सनातन धर्म के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया। लेकिन बापू की बात की जाए तो 11 सालों में आसाराम जी बापू को इलाज कराने के लिए भी राहत नहीं मिल रही। हाँ, तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि ये सब षड्यंत्र है और ये षड्यंत्र ऐसे रचे हैं जाके कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े महापुरुषों ने बोले हैं यहाँ कुछ भी नहीं है। क्यों? इसका कारण ये की है, बापू ने संस्कृत धर्म को आगे लेके जा रहे थे, बापू ने संस्कृत धर्म का पालन किया है, सबको संस्कृत भाषा सिखाई है और सबका आदिवासी विस्तार में, समग्र विस्तार में, पूरा विश्व में अपने हिंदू धर्म का परचम लहराया है। इसलिए दूसरे धर्म वाले हैं। हम तो दूसरे धर्म को ये बोलना चाहते हैं कि आप अपने धर्म में खुश रहो, आप अपने धर्म में खुश रहो, पर हमारे धर्म में हमको तो खुश रहने दो ना। हाँ, पर आप चाहते हो कि मिटा देंगे तो कभी नहीं मिटा सकते हैं। मुगलों आया चला गया, कितने बड़े बड़े आए और चले गए, पर इसको मिटा पाया क्या? सूरज को कोई तोड़ेगा? सूरज के नीचे लेके जा सकता है? नहीं। धरती को क्या फाड़ देगा? नहीं हो सकता है। जो ईश्वर ने, जो ईश्वर निमित्त बनाया है जिनको, वही होगा। और बापूजी आएंगे और बापूजी तो सबके हृदय में है। बापूजी कहाँ नहीं है? अरे अगर अनुभव किया जाए, साधकों से पूछो आप, इतना लंबे लिस्ट हो जाएंगे। और बापूजी बोले, बापूजी बोलते हैं कि अगर मैं धर्म के लिए मुझे जाना भी पड़े, हाँ पहले मैं सुना था सत्संग, बहुत बार गए थे हम तो सत्संग में सुने थे, बापूजी मुझे जाना पड़े तो कोई मतलब नहीं, हम धर्म के लिए ये शरीर भी छोड़ सकता हूँ, पर अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगा, अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ूंगा और मैं अपने संकल्प के द्वारा ये पूरा विश्व को, पूरा भारत को मैं जगाया हूँ और हमारा साधक भी जगाता रहेगा। हमारा साधक कमजोर नहीं है, हमारा साधक निर्बल नहीं है, हमारे साधक पूरा बलवान है, मजबूत है। क्या मांग करना चाहोगे आप संत समाज की ओर से, सरकार से, न्यायपालिका से, क्या कहना चाहोगे? हाँ, मैं न्यायपालिका से यही कहना चाहूँगा कि जब कोई तथ्य नहीं है, बराबर है, तो आप क्यों बापू को अंदर रखे हैं? आपसे मैं ही नहीं निवेदन करना चाहता हूँ। अभी तक साधक लोग शांत बैठे हैं, अभी साधक शांत बैठे हैं। शांत बैठने का मतलब ऐसा निर्बल नहीं होता है, ऐसा कमजोर नहीं होता है, उसका बुद्धि कोई कम नहीं है। पान बापू का वाक्य है कि तुम लोग कुछ नहीं करोगे, तुम किसी को तुम धमाल नहीं करोगे, इसलिए सब साधक शांत बैठा है। पर बापू जी को इतना बीमारी पड़े, हाँ कोई इलाज के लिए तक नहीं दिए, तो ये करना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं और लिखना क्या सकते हैं, क्या थोप के रखे हैं? हम तो यही विनती करना चाहते हैं उन लोग से, बड़ा जितना भी है नेता लोग जो भी है हमारे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं यही कहना चाहूंगा, मैं छोटा बालक हूं और मेरी बात आप जची से सुनिए और बापू को जल्दी से जल्दी रिहा करिए। आप एक को, बापू को एक को अंदर नहीं रखे हैं, बापू का करोड़ों साधक के श्रद्धा को, विश्वास को आप लोग उनको दबा रहे हैं। आप तो धर्म के लिए जाए, आप इतना बड़े हैं आदमी, आपसे कोई, हाँ हम तो छोटे हैं, पर आप हमारी वाणी, हमारे हृदय के साधक के हृदय के वाणी को जरा आप समझिए, हाँ वेदना को समझिए। वो सद्गुरु को कितने, हाँ सद्गुरु कुछ दिया तो होगा ना उनको,
साधक को कुछ तो दिए होंगे ना, फिर इतना करोड़ साधक बना सकते हैं? अरे दो आदमी इकट्ठा नहीं कर सकते हम। हाँ एकदम बापू जी का रिहाई होना चाहिए और जल्दी होना चाहिए, अब देर नहीं होना चाहिए, नहीं तो साधक अब नहीं बैठा रहेगा, संत अभी नहीं बैठा रहेगा और संत समाज अब जाग चुके हैं। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज़ इंडिया पर।